गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाथी और चींटी की कहानी। एक बार एक सुंदर जंगल था और उस जंगल में सुंदर नदी थी। सभी जानवर उस नदी के किनारे इकट्ठे रहते थे। एक दिन उस नदी में हाथी नहाने के लिए आया। नहाते नहाते उसने सोचा और सोचते सोचते उसकी नजर अपनी परछाई पर गई। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बलवान हूँ और शायद मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। ये सोचते हुए उसने सभी जानवरों को इकट्ठा कर एक सभा बुलाई और कहा, मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ और मुझे ही तुम्हारा राजा होना चाहिए। सभी जानवर बातचीत करने लगे, सोचने लगे और उन्होंने हाथी को अपना राजा मान लिया। इतने में वहाँ एक चींटी आई और उसने हाथी को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। जाओ, मैं नहीं तुम्हें अपना राजा मानती। हाथी ने गुस्से में आकर चींटी को अपनी सूंड के अंदर खींच लिया। चींटी ने सूंड के अंदर जाके हाथी को जगह जगह काटा, परेशान किया, तंग किया और इतने में हाथी रोया, चिल्लाया, कूदा, अरे कोई मुझे बचाओ, और छींक कर उसने चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकाला। चींटी ने बाहर आते ही कहा, देखा हाथी राजा, मैं छोटी सी हूँ लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ ही मिनट में कितना तंग कर दिया, कितना परेशान कर दिया। हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी से गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए।